सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे को वीडियो में। एग्जीबिशन बहुत सारे लग रहे हैं प्रगति मैदान में, तो आज का जो एग्जीबिशन रहेगा वो रहने वाला है जो इंडस्ट्री वगैरह होते हैं। अगर आप लोग इंडस्ट्री से रिलेटेड करते हैं, अगर आप लोगों को इंडस्ट्री में अपने कूलिंग के लिए पर्पज़ से कुछ सेटअप करवाना हो, अगर आप लोगों को कुछ अपने वेयर हाउस के लिए कूलिंग के लिए सेटअप करवाना हो, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बेस्ट रहने वाले। क्यों? क्योंकि ये जो कंपनी रहती है वो है सिम्फनी। सिम्फनी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, कूलर वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा लोग आप लोगों ने देखे होंगे। बट आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि सिम्फनी इंडस्ट्री वेयर हाउस बड़े बड़े ऑफिस में ये लोग कूलिंग का जिनका जो सेटअप रहता है वो भी करके देते हैं। आज जो है मैं यहाँ पे इनके जो स्टोर लगे हुए हैं वो दिखाने वाला हूँ, किस टाइप से ये आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, किस टाइप से आप लोग इनकी सर्विस ले सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सिम्फनी की सारी जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस रहती है वो एक बार जान लेते हैं। तो सर, वेलकम बैक टू माई चैनल। एक बड़ा इंडिया का जाना माना नाम है सिम्फनी, सिर्फ नाम ही काफ़ी है हम ये कह सकते हैं। बट सिम्फनी के जैसे कि हमने कूलर काफ़ी यूज किए हैं घरों में, बट आपका जो इंडस्ट्रियल सेटअप के लिए काफ़ी लोग सर्च करते हैं कि कोई एक ट्रस्टेड कंपनी हमें मिले, ट्रस्टेड प्रोडक्ट हमें मिले जो कि लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बेनिफिट दे और एक अच्छे बजट में हो। तो आप अपने ब्रांड को किस टाइप से एक्सप्लेन करना चाहेंगे, जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? हेलो हाय गाइस, मेरा नाम प्रतीक है, मैं सिम्फनी इंडस्ट्रियल वर्टिकल से हूँ। तो ये जो आप अपने प्रोडक्ट देख रहे हैं ये इंडस्ट्रियल एयर कूलर है, ठीक है। इसका बेनिफिट ये है कि ये बड़ी जगहों के लिए है, जिस जगह को आप एयर कंडीशन नहीं कर सकते, लाइक वेयर हाउस, फैक्ट्री के शॉप फ्लोर्स, आपका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, आपके कमर्शियल स्पेसेस, सो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन। सिम्फनी इस इंडस्ट्री में एक लीडिंग ब्रांड है और ओनली ब्रांड है। सिम्फनी के अलावा कोई भी ऑर्गेनाइज मार्केट में कोई दूसरा ब्रांड नहीं है जो कि एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कैटर करता है। सो हम लोग की अप्रोच ये होती है कि आपकी साइट के हिसाब से जो भी कस्टम टेलर्ड सॉल्यूशन है वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो सर ये जैसे कि कोई पर्टिकुलर आप सिटी में ही करके देते हैं सेटअप या ऑल ओवर इंडिया? हमारी प्रेजेंस ऑल ओवर इंडिया है, इनफैक्ट ओवरसीज है। ओके, सिम्फनी डील करती है ऑलमोस्ट 70 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड। हम लोग वर्ल्ड वाइड पूरा हो जाए, हम लोग की प्रेजेंस 70 कंट्रीज में अक्रॉस द ग्लोब। ओके, और ये हम लोग पैन इंडिया, आप किसी भी पिन कोड को बोलेंगे हम लोग मैप करेंगे। हम लोग पूरा टीम है जो कि आपके यहाँ पे विजिट करेगा, आपकी पूरी प्रॉब्लम को समझेगा, उसके हिसाब से कस्टम मेड सॉल्यूशन हम आपको कस्टम करवा के देंगे। आप लोग जैसे भी वेयर हाउस के लिए रिक्वायरमेंट रहेगी, सो स्क्वायर फीट वगैरह रहता है या फिर मतलब अगर आप किसी को सेटअप करवाना है वो क्या कुछ प्राइसिंग? उसमें बेसिकली हमें दो तीन चीजें चाहिए होती हैं कि आपका एरिया कितना बड़ा है, दूसरा आपका एप्लीकेशन क्या है। ओके, तीसरा एक हम साइट विजिट करेंगे सो देट कि हम एक आइडिया प्रपोज कर पाए कि कहाँ हम लोग मशीन लगाने वाले हैं, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सो ये दो तीन हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सो जैसे ही हमें ये डिटेल्स गैदर होती हैं फिर हम लोग एक डिजाइन प्रपोज करते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहता है। सो सर, एक अभी मैं जो ये सेटअप देख पा रहा हूँ थोड़ा सा इसी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे और बाकी जो आपके सर्विसेज हैं फिर हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या कुछ रहने वाला है और ये जो अभी सेटअप मैं देख पा रहा हूँ लाइव, उसको थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कीजिए। ये आपका बाहर का इक्विपमेंट है। ओके, ये मशीन आपका बाहर रहेगा। ओके, सो इस मशीन के साथ हमें डक कनेक्ट करेंगे, इस तरीके से आपका डक कनेक्ट होता है। ओके, और ये डक का रूट है, ठीक है। जहाँ जहाँ आपकी एप्लीकेशन है, मान लीजिए आपका ऑपरेटर यहाँ पे खड़ा होकर काम कर रहा है। ओके, जो मैं खड़ा होकर काम कर रहा हूँ कुछ भी, सो मेरे हेड के ऊपर एक ग्रिल है, राइट, मेरे स्टेशन को ठंडा करेगा। ओके, तो ये एक तरीका है जिससे हम पूरे एंटायरली डक को डिजाइन कर सकते हैं। और सर ये ऑटोमेटिक रहता है या फिर कुछ मैन्युअली ऑपरेट करना पड़ता है इन सब को? मशीन आपको मैन्युअली ऑपरेट करना पड़ेगा, मशीन के साथ एक इस तरीके का कंट्रोल पैनल आता है। ओके, एक कंट्रोल पैनल मशीन के साथ, ठीक है, यहाँ से आपको ऑपरेट करना है जी, ठीक है। मेंटेनेंस वाइज इसके फिल्टर्स हैं, ये आपको क्लीन करने हैं 15 से 20 दिन में एक बार। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर कोई मेंटेनेंस नहीं। और सर वारंटी वगैरह कुछ ऐसा? वारंटी स्टैंडर्ड 1 ईयर है फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। ओके, ठीक है, राइट। So, इसके अंदर आपको कॉम्प्लीमेंट्री हम लोग 2 फ्री सर्विसेज देंगे इस पूरे सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। उसके बाद आपके पास मेंटेनेंस के लिए एएमसी चार्जेस और वो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, वो अदर्स बेनिफिट कस्टमर को मिल जाएंगे। सो मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा। सो सर सेटअप तो मैंने भी काफी देखे हैं सिम्फनी के अलावा काफी इंडस्ट्री में, बट सिम्फनी उनसे कैसे बेटर है, दो एक दो पॉइंट बताइए मुझे एक बार। सबसे बड़ी चीज की सिम्फनी लीडिंग ब्रांड है इंडिया में, राइट सर, सिम्फनी से भी बड़ा ब्रांड नहीं है। इंडिया में नहीं, हम लोग वर्ल्ड के सबसे बड़े एयर कूलर मैन्युफैक्चरर हैं। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है कि जो हम लोगों के पास नेटवर्क है, जो हमारा डीलर सेटअप है, वो
वो सेटअप किसी और अप्लाइंसेस कंपनी के पास नहीं है। ओके, इंडस्ट्री ग्रेड में हमसे बड़ा नेटवर्क किसी और कंपनी के पास प्रेजेंस नहीं। सो हम लोग का यूएसपी, हमारा अप्रोच, हमारा नेटवर्क और हमारा कस्टमाइज सॉल्यूशन, क्योंकि ये रेट्रोफिट आपको सिस्टम कहीं नहीं मिलेगा। ओके ठीक है सर। सर मैंने काफ़ी जगह देखा कि ये जैसे प्लास्टिक जो भी बॉडी है, लेकिन स्टील वगैरह भी ऐसा कुछ होता है, स्टील का भी होता है, कस्टमर को ऑप्शन मिलेगा, वो ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन मिलता है कस्टमर आपके, मतलब जैसे रिक्वायरमेंट रहेगी जैसा फिटिंग चाहिए वैसा मिलेगा। इसमें आपको स्टील का चाहिए स्टील का मिलेगा, प्लास्टिक का चाहिए प्लास्टिक का मिल जाएगा। दोनों के अपने बेनिफिट रहने वाले। सो और कुछ सर, मैं कैटलॉग भी देख पा रहा हूँ आपके हाथ में, सो एक बार थोड़ा सा मुझे बता दीजिए, सो ये डिफरेंस क्या रहता है सर इनमें? हमारे दो मॉडल्स हैं, ये जो आप मॉडल देख रहे हैं ये वेंटिकुल 25U है, ये बड़ा मॉडल है। दूसरा मॉडल है 20, वो थोड़ा छोटा मॉडल है। ये कितने एरिया तक को कवर करता है, मतलब कितने एरिया कूलिंग? ये आपको कवर करेगा लगभग 2000 स्क्वायर फीट, ये आपको कवर करेगा 2500 स्क्वायर फीट। ये इसके साथ की एसेसरीज है। सो एल्बो ये पार्ट हुआ आपका, राइट, माउथ पीस और ये डिनोट करा है वो आपका ये वाला पार्ट हुआ, ठीक है। देन ये डक्ट्स आपके, ये डक्ट हुए, राइट। ऑटोमेटिक ग्रिल जो आपने उस तरफ देखा उस साइड वो लगे हुए है, और एक एयर आउटलेट ग्रिल है छोटा वाला, वो आपका ये वाला, ये जो ये हमारे कुछ लीडिंग कस्टमर्स हैं, कोको कोला, अपोलो का पैसे बिग बास्केट, बेसिकली ये वेयरहाउसिंग शो है। सो ये सारे वेयरहाउसिंग के कस्टमर्स हैं। ओके, ये भी काफी बड़े ब्रांड है सर, ये नहीं है कि छोटा मोटा कंपनी में सेटअप किया हो। सो ये ब्रांड तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, सो यहाँ से समझ सकते हैं कि इतने ब्रांड अगर अपने सेटअप इनसे करवा रहे हैं, तो आप लोग अगर सेटअप कराओगे तो कोई भी इशू नहीं आने वाला है। सर एट द एंड, अगर मैं मेरे एंड से कुछ रह गया, आपके अपने कुछ मेरिट्स और कंपनी की तरफ से कुछ बताना चाहता हूँ, तो प्लीज़ एक बार सिम्फनी की, अगर आप किसी को भी सिम्फनी सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, आप सिम्फनी की वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहाँ पे आपको इस तरीके से एक साइट सर्वे का ऑप्शन मिलेगा, आप जाके वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ये बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है और हमारी टीम आपके साइट पर आकर आपको हेल्प करेगी। ओके, थैंक यू सो मच सर, काफी अच्छा लगा। बाकी आप लोगों से मैं यही सजेस्ट करूंगा, एक काफी ट्रस्टेड, काफी टाइम से मार्केट में एस्टेब्लिश है ब्रांड, जरूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सिम्फनी में एक बार जरूर कॉन्टैक्ट कीजिए।